सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने चैनल आप आइए इसमें स्वागत है। मित्रों, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, इसको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यूपीएससी है, क्या उसकी स्ट्रेटजी है और कैसे आप इस एग्ज़ाम को निकाल के बनेंगे आईएएस, इस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि पोस्ट ऑफर क्या क्या हैं, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मुझे पता है आप में से कई लोग अभी अभी चैनल से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए, दोबारा पीछे जाइए और उन एग्ज़ाम को आप देखिए कि किस तरीके से हमने आप पूरी यूपीएससी को डिकोड किया है, किस प्रकार से हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया। दोस्तों, आज सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आप इसे कह सकते हैं, एक आईएएस ऑफिसर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। जी हाँ, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप आईएएस बनने जा रहे हैं। आप सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको आईएएस ऑफिसर की तरह देख रहा हूँ और ये आप लोगों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि आईएएस की ड्यूटी क्या क्या है। तो मित्रों, आईएएस की ड्यूटी की बात करते हैं। ये देखिए, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो ऑफिसर होता है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का जो होता है हेड होता है। तो मित्रों, इसके साथ साथ ये जो होता है, ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मेन पोस्ट होती हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस होती हैं, उनको होल्ड करता है, चाहे वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, मिनिस्टर के जितने भी एडवाइज़र होते हैं और जितने भी सेंट्रल स्टेट की जो मैनेजिंग ब्यूरोक्रेसी होती है, वो सब कौन होते हैं? आईएएस। इसीलिए मित्रों, एक अप्रोच चली थी स्वतंत्रता के समय कि डीएम, सीएम और पीएम यही शक्ति का केंद्र माने गए थे। इसको आप ऐसे लीजिए, पीएम, सीएम, डीएम, इस तरीके से ये शक्ति का केंद्र चलता था। और वास्तव में आज भी डीएम में एक शक्ति का केंद्र उसे कह सकते हैं। इसीलिए आप भी तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप ज़रूर आईएएस बनेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है आप आईएएस। तो देखिए, इसके बाद हम एक आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है, उसकी मेन ड्यूटी होती है मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, क्राइम प्रिवेंशन और जो भी इन मतलब मेजर इवेंट्स होते हैं उनकी वो जांच करता है। आप लीडिंग कमांडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी और रिसर्च एनालिसिस और ये रॉ वगैरह ब्यूरो, जैसे कि बहुत सी रॉ वगैरह जो एजेंसीज हैं, इनमें जो है आप प्रमुख स्थानों पर रहते हैं। आप आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेज में कमांडिंग पोजीशन में रहते हैं, बीएसएफ और जितनी भी कमांडिंग फोर्सेज हैं उसमें आप लीडिंग लीड पोजीशन मतलब जो टॉप लेवल की होती है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, इस लेवल की जो पोस्ट होती है वो एक आईपीएस ऑफिसर आप जाते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे आईपीएस ऑफिसर की और क्या-क्या जिम्मेदारियां वो जानते हैं। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर की अन्य जिम्मेदारियों की बात करें तो पॉलिसी मेकिंग में आपका अहम योगदान होता है। अलग अलग मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पीएसयू कंपनी होती हैं, जो पीएसयू कहते हैं हम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये जो होती हैं ये सरकार की, जिनका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर गवर्नमेंट होल्ड करती है अराउंड 51%, जो अब शेयर जो अभी घटा दिया है। तो अभी हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, अभी हम बेसिकली आपकी ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे। आप देखिए तो आप जो है ऑल इंडिया सेंट्रल सर्विसेज और इंडियन आर्म फोर्सेस की भी आप इलाइट पोजीशंस पे रहते हैं, यानी कि बहुत अच्छी पोजीशंस पे रहते हैं। आप जो हैं पुलिस और जितनी भी कमांड मेजर फोर्सेस होती हैं उनके आप हेड रहते हैं मित्रों। इसके बाद आपका जो काम होता है मित्रों, वो सबसे अहम आ जाता है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि आप हाईएस्ट ऑर्डर की जो है इंटीग्रिटी मेंटेन करते हुए, पीपुल के जो है लोगों के जज्बातों को सोचते हुए, सोशल, इकोनॉमिक और उनके कल्चरल मायलियों को समझते हुए, आप उनके ह्यूमन राइट और उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में उनके राइट हैं उनको आप प्रिजर्व करते हैं मित्रों। और लीस्ट बट नॉट लीस्ट, वो कहते हैं ना जो आखिरी मतलब कि ये लास्ट है मगर इसे आखिरी ना समझिएगा। तो ये आप देखिए, इसमें आपका काम क्या है, आपका काम है करेज, अपराइटनेस और डेडिकेशन के साथ, पूरी सर्विस के साथ लोगों का साथ देना, लोगों को बचाना। तो अगली मित्रों, अगली जो वीडियो है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर है। देखिए ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, वो कैसे कराया जाता है, कैसे उसका सिलेबस है और क्या मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है। देखिए मेंस में आप ऑप्शनल क्या क्या रख सकते हैं, ये मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। मेंस और प्री क्वालिफाई करने के, प्री और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप आते हैं इंटरव्यू फेज, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा होगी। इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन रहेंगे,
और ये कोचिंग का हमारा जो हम चैनल चला रहे हैं उसमें 5 स्टार कोचिंग हम शुरू करने वाले हैं, और एक 5 लेवल प्रोग्राम हमारा है। उन 5 लेवल प्रोग्राम की बात अगली आने वाली वीडियो सीरीज में होगी मित्रों, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आपको बनना है क्या IAS। तो मित्रों आप जरूर बनेंगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिए, मैं उनका बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, और वो वीडियो के जरिए हम आपसे एड्रेस करेंगे और आपके कमेंट सेक्शन में भी जवाब देंगे। जल्द हमारे चैनल पे कुछ सेलेक्टेड IAS IPS ऑफिसर्स भी आपके लाइव सेशंस लेने आ रहे हैं। हिंदी साहित्य की हम सीरीज शुरू करने वाले हैं जल्दी, हिंदी साहित्य, जी हाँ, ऑप्शनल हिंदी साहित्य की हम सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो दिल्ली के प्रतिष्ठित टीचरों के द्वारा हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। और मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बनना है IAS, और इसमें हम आपका जो है पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, और हम आपसे बस एक लाइक शेयर और कमेंट किए हम इतना तो हम हक रखते हैं कि आपको इतना सब कुछ हम फ्री में दे रहे हैं, तो आपसे एक लाइक कमेंट और शेयर की हम आशा रखते हैं। तो तैयार रहिए, हिंदी ऑप्शनल की सीरीज शायद हम कल से ही शुरू कर दें, शायद परसों से शुरू कर दें, तो तैयार रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। तो आप जरूर बनेंगे IAS, तैयार हो जाइए और इस सीरीज को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि आप UPSC को क्रैक करके कैसे बनेंगे सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करके IAS या फिर IPS या जो भी आपका ड्रीम है। तो तैयार रहिए मित्रों।